आज अकबरुद्दीन ओवैसी को, जो कि MIM का विधायक है, उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। तो ऐसे व्यक्ति के सामने हम शपथ नहीं लेंगे, ऐसे व्यक्ति के सामने हम शपथ नहीं लेंगे जो गौ मांस खाने के लिए हमें प्रेरित करता है। नेक्स्ट डे जो नया स्पीकर जो तेलंगाना राज्य का जो बनेगा, उनके चैम्बर में हम लोग जाकर शपथ ग्रहण समारोह करेंगे। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, मनु मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, KVN यूनिवर्सिटी, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, सूरत खजाना एंड बाय अलशरे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, नई सरकार, नया कांग्रेस का मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी बनने के बाद में कांग्रेस का असली चेहरा सामने आया है। हर बार रेवंत रेड्डी ये कमेंट करते थे कि BJP, MIM, BRS एक है, तो आज तेलंगाना की जनता को पता चल गया है कि कौन किसके साथ है, कौन कौन कब कहां पर मिला है। और आज अकबरुद्दीन ओवैसी को, जो कि MIM का विधायक है, उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। तो ऐसे व्यक्ति के सामने हम शपथ नहीं लेंगे जो 15 मिनट में 100 करोड़ हिंदुओं को मारने की बात करता है। ऐसे व्यक्ति के सामने हम शपथ नहीं लेंगे जो गौ मांस खाने के लिए हमें प्रेरित करता है, क्योंकि गाय हम सबकी माता है। तो हम कल बॉयकॉट करेंगे और अकबरुद्दीन ओवैसी के सामने हम शपथ ग्रहण समारोह में हम सम्मिलित नहीं होंगे। नेक्स्ट डे जो नया स्पीकर जो तेलंगाना राज्य का जो बनेगा, उनके चैम्बर में हम लोग जाकर शपथ ग्रहण समारोह करेंगे। पार्टी की ओर से क्या इसके ऊपर संभावना है? कल मॉर्निंग 7 o'clock किशन रेड्डी जी की अध्यक्षता में पूरे विधायकों दल का एक मीटिंग लगाया गया है। कल लगभग 8 बजे तक ये डिसाइड हो जाएगा कि मेरी जो व्यक्तिगत जो राय है वो पार्टी की राय है, लगभग कल 8 बजे पता चल जाएगा। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, मनु मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, KVN यूनिवर्सिटी, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, सूरत खजाना एंड बाय अलशरे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस।